सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यमहा FZ250 के मॉडिफिकेशन जो आप ट्राई कर सकते हो। FZ250 के ऊपर मैंने अभी तक दो वीडियोस बनाए हैं, अगर आपको वो देखनी होगी तो उनकी जो लिंक है वो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूंगा। तो उसमें मैंने इन सब मॉडिफिकेशन के बारे में बात की है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ नए नए मॉडिफिकेशन के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला मॉडिफिकेशन है वो ऑफकोर्स एक वाइजर का है। तो वाइजर में आप यूज कर सकते हो AS200 का वाइजर। तो AS200 का वाइजर इंस्टॉल होने के बाद कैसा दिखता है वो आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो ये जो वाइजर है वो आपको ऑनलाइन बहुत मुश्किल से मिलेगा, ऑनलाइन मतलब मिलता ही नहीं है। अगर आप ईवे वगैरह में देखोगे तो इसकी जो प्राइस है वो $20 के आसपास है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है एक वाइजर के लिए। तो इसे आपको ऑफलाइन पल्सर की जो वर्कशॉप है वहीं पे जाके लेना पड़ेगा। उसके बाद जो वाइजर है वो आप डोमिनार का यूज कर सकते हो। डोमिनार के वाइजर की प्राइसिंग less than 500 rupees ही होगी। कोई भी वाइजर अगर आप डोमिनार का यूज़ करते हो तो 500 के अंदर आपको डोमिनार का वाइजर पड़ जाता है। तीसरा वाइजर है यूनिवर्सल वाइजर या फिर फेजर के जो वाइजर हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, और इनकी जो प्राइसिंग है वो लगभग 280 रुपये की पड़ती है। तो मैं कुछ फोटोज़ भी दिखा देता हूँ जिसमें यूनिवर्सल वाइजर या फिर फेजर का जो वाइजर है वो इंस्टॉल किया हुआ है। और इसके बाद एक और मैंने वाइजर देखा था जिसको बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि ये जो वाइजर है वो किसका है, मतलब ये वाइजर मुझे भी थोड़ा सा नया लगा था। तो ये जो वाइजर है वो है यमहा SZR150 का। तो SZR एक कम्यूटर बाइक है और बहुत कम दिनों के लिए आई थी, मतलब लॉन्च के कुछ सालों बाद ही डिसकंटिन्यू हो गई थी। और इसका भी जो वाइजर है वो आपको यमहा के वर्कशॉप में ही मिलेगा, और बहुत ढूंढना पड़ेगा आपको, देन आपको जाके कोई वाइजर आपको मिल सकता है। और मैंने एक वेबसाइट देखी है जिसमें FZ250 के आपको वाइजर मिल सकते हैं। तो LLuvia करके वेबसाइट है, जो वेबसाइट का लोगो है और इंटरफेस है वो मैं आपको एक बार स्क्रीन में दिखा दूंगा, आप एक बार जाके देख लेना। हो सकता है उसमें भी आपको कुछ कुछ नए वाइजर आपको देखने को मिले। तो ये था वाइजर का मॉडिफिकेशन। इसके बाद जो मॉडिफिकेशन आता है वो है अंडरबेली का। तो अंडरबेली जो आप यूज कर सकते हो, सबसे पहली है फेजर V2 की आप अंडरबेली, आप दोनों मॉडल में यूज कर सकते हो। FZ जो BS6 आता है और उसके जो पहले वाला वर्जन था उसमें भी यूज़ कर सकते हो। और मैंने RC390 की भी अंडरबेली FZ250 में इंस्टॉल्ड देखी थी, तो उसकी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। और इन दोनों की प्राइस मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि ये सब आपको ऑफलाइन ही देखने पड़ेंगे, तो जो प्राइसिंग है वो थोड़ा सा चेंज हो सकता है कि आप किस सिटी में हो, इसलिए मैंने इसकी प्राइसिंग नहीं बताई। और उसके बाद आप चाहो तो R15 V3 की भी अंडरबेली यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक फोटो दिखाता हूँ जिसमें R15 V3 की अंडरबेली यूज़ थी। पहले मुझे लगा ये RC200 की है, बट जब मैंने ओनर से बात की तो उन्होंने बताया कि R15 V3 की अंडरबेली है। एंड देन मैंने एक FZ250 देखी BS4 वर्जन जिसमें BS6 की अंडरबेली इंस्टॉल थी, तो उसकी भी मैं पिक दिखा देता हूं। और इसकी जो प्राइस थी ओनर ने मुझे बताया ₹908 उनको पड़ी थी। और ये जो अंडरबेली है वो तो आपको यमहा के वर्कशॉप में आसानी से मिल जाएगी, और प्राइसिंग मैंने आपको बता दिया। तो इसके बाद जो मॉडिफिकेशन आता है वो है फॉग लैंप्स का। तो फॉग लैंप्स में दो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो, या तो आप इंस्टॉल कर सकते हो मिनी LED पॉट्स, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि 850 990 इस तरह की प्राइस रेंज होती है, और ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ब्रांड यूज कर रहे हो। जो हाई क्वालिटी की ब्रांड आती है वो लगभग आपको 2000 तक में पड़ते हैं, बट इनकी जो पावर होती है लाइट की वो अच्छी होती है, तो आप इन्हें इंस्टॉल कर सकते हो। तो मिनी LED पॉट्स की जो बाइंग लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा जो मैंने वाइजर की बात की है, जो भी मैंने वाइजर बताए हैं उनकी जिसकी भी लिंक मुझे मिल पाएगी उनको भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जिस ब्रांड की मैंने मिनी LED पॉट्स बताई उसी ब्रांड की ऑटो पावर्स और HJG ब्रांड की फॉग लैंप्स आती है, वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। वो थोड़े से साइज में बड़े होते हैं, उनकी भी प्राइसिंग लगभग आपको 2000 तक पड़ जाती है। और मैं दिखाता हूँ इंस्टॉल करने के बाद लुक कैसा आता है, और नाइट में वो कैसी विजिबिलिटी देती है उसकी भी मैं एक आपको वीडियो दिखा दूंगा, सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको इन्हें इंस्टॉल करना है या नहीं। ओके, सो दिस इज विदाउट द हाई बीम, दिस इज विद, लाइक दिस इज द हाई बीम and these are the lights. This is high beam off and this is only fog lights, no headlight. देन जो हमारा फोर्थ मॉडिफिकेशन है वो है यूनिवर्सल फेंडर या फिर मडगार्ड का। तो आपने बहुत सारी FZ250 देखी होगी जिन्हें एक एडवेंचर बाइक में मॉडिफाई करते हैं, और उनके हेडलाइट के नीचे एक फेंडर लगा होता है, और ये जो फेंडर है वो हम तब यूज करते हैं जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं। तो आप चाहो तो यूनिवर्सल फेंडर भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने FZ250 में, और इनकी प्राइसिंग पड़ती है अराउंड 700 से लेके 800 के बीच, तो इसकी भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक दूसरा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो तो KTM RC का जो मडगार्ड है वो भी आप अपने FZ250 में इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करने के बाद जो लुक है वो कैसा आता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एंड देन जो आखिरी मॉडिफिकेशन है उसमें हम कुछ कुछ और मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आप चाहो तो शॉकअप कवर्स भी यूज़ कर सकते हो, ये आप ऑफलाइन लेना है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन लोगे तो आपको आइडिया नहीं लगता कि जो आपकी शॉकअप पाइप है उसमें ये फिट होंगे या नहीं, तो ऑफलाइन लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो लुक है वो शॉकअप कवर्स इन्हेंस करते हैं। देन इसके बाद आप चाहो तो टॉप रैक यूज़ कर सकते हो, मतलब अगर आप एक एडवेंचर बाइक बना रहे हो तो टॉप रैक अगर आप इंस्टॉल करते हो तो बाइक को एक अच्छा एडवेंचरस लुक मिलता है, और टॉप रैक की प्राइस आपको लगभग 550 के करीब पड़ती है। तो 550 का
आपको टॉप रैक पड़ेगा। और यूनिवर्सल फेंडर भी आप एडवेंचर बाइक में इंस्टॉल करते हो, जिसकी कीमत मैंने 700 से 800 के बीच में बताई। और इसके अलावा आप चाहो तो एक विंगलेट भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो FZ 250 का कोई ऑफिशियल विंगलेट नहीं आता, बट आप चाहो तो डोमिनार का जो विंगलेट आता है उसकी प्राइसिंग लगभग 180 रुपीस पड़ती है, तो वो भी आप चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। बस दो चाइना नट की आपको जरूरत है और आपका विंगलेट अच्छे से फिट हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद लुक कैसा आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आई होप ये जो मॉडिफिकेशन मैंने बताया वो आपको पसंद आए होंगे। मैंने बहुत कोशिश की है कि वीडियो को छोटा रखूँ और बहुत जल्दी जल्दी बोलने का ट्राई किया है, जिससे जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो बहुत छोटे में आ जाएँ। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो बाकी FZ 250 के मॉडिफिकेशन के बारे में मैंने बात की थी, उनकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएंगी। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज़।